नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मल्टीमीटर के प्रोब के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मल्टीमीटर प्रोब है। ये हम इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ा है, ये मैकेनिक का मल्टीमीटर प्रोब है। इसकी क्वालिटी दिखाते हैं अभी आपको। उसके पहले मैंने ये इसको मंगाया था, ये 120 रुपये का था, लेकिन उतना अच्छा ये नहीं है। ये लगभग हर जगह मिल जा रहा है ये मल्टीमीटर प्रोब। दोनों की क्वालिटी में अभी हम दिखाते हैं कि अंतर क्या है। वैसे कई मल्टीमीटर प्रोब है जो हमने देखा, जिसमें हमको ये सबसे बेस्ट लगा ये। और कल वाली वीडियो में हम जो वो डीसोल्डिंग पंप के बारे में बताए थे, उसमें ये हमारे पास ये ब्रश जो है 3-in-1 ब्रश, ये है सनशाइन का कंपनी का ये ब्रश, ठीक है। ये हर जगह मिल जाता है, ये मोबाइल के रिपेयरिंग में भी यूज आता है। ये यूज आता है जैसे हमारा एंड्रॉयड टीवी में देखते हैं, और उसमें मोबाइल में भी जब हम रिबॉलिंग करते हैं किसी आईसी की, जो बॉलिंग वाली आईसी होती है, उसे रिबॉलिंग करते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें तीनों का जो हम दिखा दें, इसमें ये तीनों ब्रश में एक है ये प्लास्टिक का, ठीक है, और ये दूसरा है ये पीतल का है, ठीक, और ये स्टील में है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ब्रश मिलते हैं इसमें। ये 50 रुपये का था, ठीक है, ये 50 रुपये का मिला है। ये रिबॉलिंग करने करते समय या और भी कहीं ज़रूरत हो इसकी जो है वो साफ़ करने के लिए ये यूज आता है। इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में बहुत जगह पे ऐसे है जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये 50 रुपये का मिला। जैसा कि कल कमेंट किए थे कोई, ये देखिए आसानी से मिल जाता है स्पेयर पार्ट्स के दुकान पे। अगर नहीं मिलता है या कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो ये मैं अवेलेबल भी करा दूंगा आप लोगों को। तो ये है इसका 50 रुपये प्राइस, और ये है सनशाइन का, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीमीटर के प्रोब पे। तो ये मल्टीमीटर का प्रोब अभी हम दिखाते हैं, पहले ओपन कर लें। ये हमको सबसे बेस्ट लगा जो ये है। मैकेनिक में दो तीन टाइप के प्रोब आते हैं, जिसमें हमको ये मिला है। इसकी प्राइस अभी आपको बिल दिखाते हैं। देखिए ये है, बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है। ये इसका जो ये है प्लास्टिक इस वायर का, केबल का, ये लॉन्ग भी है, काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ पर देखेंगे ऐसे। और यहीं पे अगर इसको दिखा दें, ये वाला जो मल्टीमीटर का प्रोब है, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, इतना इतना डिफरेंस है। अब ये इसकी क्वालिटी इतना बेटर है कि इसकी फीलिंग आपके हाथ में जब आएगा, तो ये अगर दिखा दें, ये देखिए, ये नीचे का है यहाँ पे, ये साइड में, और ये हाथ में प्रॉब, टेस्टिंग प्रॉब है ये वाला, ये मल्टीमीटर में लग जाएगा और ये हाथ में आपके। अब इसमें देखिए, इसके बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्रॉब है, ऐसे देखिए, देखने में भी खूबसूरत है। और इसके फ्लेक्सिबल एक इस समय ठंडी में ये क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें देखिए हार्डनेस है, इस वायर में उतना स्मूथनेस नहीं है, और इसमें एक सिल्क जैसा जो है इसकी जो फीलिंग आती है, ठीक है, ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट है।
ये 300 रुपये का मिला हो ये, ठीक है। तो ये हमको बहुत ही अच्छा इस प्रॉब लगा, इसलिए आप लोगों के साथ में इसको मैं शेयर किया हूँ कि अगर प्रॉब देखें तो प्रॉब ये बेस्ट है। वैसे इसमें एक और भी प्रॉब है, उसे हम बाद में मंगाते हैं फिर दिखाते हैं उसके बारे में। और दो प्रॉब ये है जो सामने आप देख रहे हैं, इसको मैंने देखा लेकिन सबसे अच्छा हमको ये लगा ये मैकेनिक का। और मैकेनिक का ये जो चीफ एंड बेस्ट मल्टीमीटर भी हमने लिया था, अगर किसी को ये लेना हो तो ये चीफ एंड बेस्ट मल्टीमीटर है, ये भी मैकेनिक का है। इसको इस तरीके से यहाँ पर दिखा दें, इसको बजर के मोड में ठीक है। अब इसी को हमें एनालॉग में लगाते हैं, ये कुछ इस मल्टीमीटर में थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है, इसको निकाल कर हम इसमें देखते हैं दूसरे मल्टीमीटर में। ये है, इसमें आराम से बैठ गया। हमको थोड़ा डाउट था ना, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत ही हार्ड बैठ रहा है, इसमें टाइट है, जो मुश्किल से निकलता है और मुश्किल से प्रेस करना पड़ता है, इसमें सही है। ठीक है, एनालॉग में भी ये लग जाएगा, ये एनालॉग है, ये इसमें हम लगा कर दिखाते हैं। इसमें बढ़िया से लग गया, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसको ठीक, इसका सबसे बेस्ट हमको लगा ये जो प्रॉब है, ये बेस्ट है क्वालिटी इसकी। अभी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया कि क्योंकि इसमें जो है ये बहुत ही मुश्किल से प्रेस करना पड़ता है। अभी इसकी साइज जो होल है सॉकेट, ये अलग टाइप का हो सकता है, तो इसलिए हमने दो मल्टीमीटर इसमें बेस्ट लग गया और इसमें भी, ठीक है। ये पॉइंट तो इसका भी बढ़िया है, बस ये खूबसूरत है और इसका जो प्रॉप का क्वालिटी है और इसकी प्लास्टिक की ये डिफरेंस है। अब आप जब इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी एक अलग फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत ही सॉफ्ट है, एक फॉर्म की तरह, इसमें थोड़ा हार्डनेस है इस प्लास्टिक में। वैसे चीप एंड बेस्ट में ये भी ठीक है। अब और भी मल्टीमीटर के प्रॉप को हम मंगाते हैं फिर बताते हैं दिखाते हैं उसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।